हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। रेखा गांव में पली बड़ी थी। रेखा ने गांव के स्कूल से ही पढ़ाई की थी। उसने अपने जीवन में शहर कभी नहीं देखा था। उसकी शादी शहर में रहने वाले लड़के रवि से हो गई। शादी के बाद शहर के रंग ढंग में रेखा को ढलने में वक्त लग रहा था। शादी के बाद उसकी पहली होली आ रही थी। रवि, आज घर जल्दी आना। आज क्या है? भूल गया, होली आने वाली है। हमारी शादी के बाद ये पहली होली है। हमें खरीदारी भी करने जाना है। होली मेरा पसंदीदा त्योहार है। होली एकदम जीवन की तरह है, रंगों से भरा हुआ। ओ मैडम जी, यह आपका प्लान है? आपका हुक्म सर आंखों पर। चलिए अब जाइए, फिर जल्दी घर भी आना है। दोनों शाम में होली की सारी खरीदारी कराते हैं। आपकी सारी शॉपिंग हो गई ना मैडम जी? सारी तैयारियां हो गई है होली की, अब तो बस होली का इंतजार है। तभी रवि के फोन की घंटी बजती है। रवि फोन पर बात करता है। किसका फोन था? मेरे छोटे भाई अनिल का फोन था। इस बार होली मनाने हमारे यहाँ आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं देवा जी से कभी मिली भी नहीं हूँ, इस बहाने मिलना भी हो जाएगा। होली में अब कुछ ही दिन बाकी थे। रवि का छोटा भाई अनिल होली मनाने रवि और रेखा के घर आ जाता है। अनिल विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा था और उसके ख्याल पूरी तरह से विदेशी हो गए थे। वे रेखा को गांव की गवार औरत समझता था और हमेशा उस पर अपनी नजर रखता था। इस बार तो होली में मजा ही आ जाएगा। शादी के बाद ये हमारी पहली होली है और देवा जी भी हमारे साथ है। जी भाभी, इस बार होली का रंग कुछ और ही होगा। रेखा को होली खेलना बहुत पसंद है। इस बार देवर भाभी होली में धमाल मचा देंगे, क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल। रेखा को हमेशा लगता था कि अनिल उसकी बेवजह तस्वीरें ले रहा है, उसके पास आने की कोशिश कर रहा है। सुनो जी, मुझे ये अनिल कुछ ठीक नहीं लगता। क्या बात कर रही हो तुम? अनिल मेरा छोटा भाई है, भले ही बचपन से विदेश में रहकर पढ़ाई किया है, लेकिन आज भी उसने संस्कार हमारे हैं। रेखा बहुत ही खुले विचार वाली औरत थी। वे गांव की औरतों और बच्चों को सशक्त बनाने की प्रशिक्षण देती थी। उसे अच्छे और बुरे टच के बारे में अच्छी तरह से पता था, लेकिन रवि का छोटा भाई होने के कारण वे कुछ नहीं बोल पा रही थी। अनिल रेखा के पास आता है। भाभी एक गिलास पानी दीजिएगा। अभी लाई देवर जी। पानी का गिलास लेते वक्त अनिल रेखा के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। तभी वहाँ रवि आ जाता है और अनिल पानी लेकर वहाँ से चला जाता है। होली वाला दिन आ जाता है। सभी खुशी से एक दूसरे को रंग लगाने लगते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। रेखा अनिल को रंग लगाती है, बदले में अनिल भी रेखा को रंग लगाता है। लेकिन जब अनिल रेखा को रंग लगा रहा होता है तो वह उसके बदन को बेवजह छूने की कोशिश करता है। रेखा को ये बात अजीब लगती है, लेकिन वे उस समय कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद जब रेखा मिठाइयाँ लेने घर के अंदर जाती है, अनिल भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। देवर जी, आपको कुछ चाहिए था? जिसकी जिंदगी में आप हो, उसे और क्या चाहिए? ये क्या बोल रहे हो आप? आपने शराब पी रखी है? लेकिन नशा तो मुझे आपको देखकर हो रहा है। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। रेखा चिल्लाती है, लेकिन लाउड म्यूजिक होने के कारण उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच पाती। रेखा अनिल को एक थप्पड़ मार देती है। तेरी इतनी हिम्मत, गवार औरत, मुझे थप्पड़ मारा, अब देख मैं क्या करता हूँ। अनिल रेखा का ब्लाउज फाड़ देता है। रेखा चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ रवि आ जाता है। रेखा रोते हुए रवि के गले लग जाती है और सारी बात बताती है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना देवर जी मेरी इज्जत। यह क्या सुन रहा हूँ मैं अनिल? भैया, ये औरत झूठ बोल रही है, इसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। गांव की औरत होती ही ऐसी है, जहाँ फायदा दिखा उधर ही फिसल जाती है। रेखा रोते हुए रवि के पीछे छुप जाती है।
रवि अनिल को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है जिससे अनिल नीचे फर्श पर गिर जाता है। मुझे रेखा पर पूरा भरोसा है, यह कभी ऐसा नहीं कर सकती। भैया गांव की औरत के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा? मैंने उस शैतान को थप्पड़ मारा है जो तेरे अंदर पल रहा है। आज त्योहार का दिन है, लोग होली का त्योहार खुशियाँ मनाने के लिए मनाते हैं, एक दूसरे से भाईचारा बढ़ाने के लिए मनाते हैं, गले मिलकर गिले शिकवे दूर करते हैं, और तुम यहाँ एक पवित्र औरत पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यही परवरिश दी है माँ पापा ने तुम्हें। मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, मैं अपने संस्कार भूल गया था, भाभी माँ समान होती है। माफी मुझसे नहीं रेखा से मांगो। मुझे माफ कर दीजिए भाभी माँ, मैं आज के बाद कभी ऐसा सोचूंगा भी नहीं। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अनिल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। रेखा ने भले ही अनिल को माफ कर दिया हो, लेकिन उसके दिल पर जो जख्म लगा है उसे कोई नहीं भर सकता, उसे भरने में बहुत वक्त लगेगा। ये कहानी है कमला की। वो एक बड़े सेठ धीरज दीवान के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। काफी इज्जतदार और रसूख वाले लोगों में गिनती होती थी धीरज दीवान की। उनके घर में उनके दोनों बेटे प्रमोद दीवान और वैभव दीवान साथ ही रहते थे। प्रमोद बड़ा था, उसकी शादी अर्पिता से हुई थी। धीरज दीवान की राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच भी बहुत अधिक थी। धीरज दीवान फोन पर बातें कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं कमिश्नर साहब, आपके बिना होली की पार्टी तो बिल्कुल फीकी रह जाएगी। अरे दीवान साहब, आपकी पार्टी और फीकी, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप नहीं आएंगे तो फीकी तो हो जाएगी ना। आप प्यार से अपनी बात मनवाने में बड़े माहिर हैं। ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। उन्होंने जैसे ही फोन काटा, कमला हाथों में कॉफी लिए वहाँ आ गई। साहब कॉफी। यहाँ टेबल पर रख दे और सुन, वैभव को बुला कर ला। कमला वैसे तो सभी को बहुत पसंद करती थी, लेकिन वैभव के पास जाने से उसे बहुत डर लगता था। वैभव के सारे दोस्त भी उसे अजीब लगते थे, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था उनका व्यवहार। मालिक के कहने पर वो वैभव के कमरे में गई। वो उस समय सिगरेट पी रहा था। जैसे ही उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी, उसने जल्दबाजी में सिगरेट बुझाई और धुएं को हाथ से हटाने लगा। तभी कमला उसके कमरे में आ गई। वैभव ने दरवाजे पर कमला को खड़ा देखा तो, अरे कमला तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा पापा या बड़े भैया आ गए हैं। बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। अरे बुला तो मैं भी तुमको सुबह से रहा, तुम आती ना। ये कहकर वैभव कमला का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कमला उसका हाथ झटक कर वहाँ से भाग जाती है। वैभव अक्सर कमला से बदतमीजी किया करता, इसलिए उसे उसके पास जाने से बहुत डर लगता था। अब बार बार की बदतमीजी वो कितना सहती, इसलिए उसने उसकी भाभी अर्पिता से उसकी शिकायत कर दी। मैं तंग आ गई हूँ मालकिन, जब भी मैं उनके पास जाती हूँ वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। तुमने ये बात किसी को बताई तो नहीं है ना? नहीं मालकिन, बहुत दिनों से दबा कर रखा था, लेकिन लेकिन किसी चीज की कोई हद होती है ना। मैं मजबूर हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप किसी भी चीज को करने के लिए आजाद है। तू फिकर मत कर, मैं उसे समझा दूंगी। बात आई गई हो गई। कमला ने सोचा अब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन भाभी को बताने के बाद के तीसरे दिन फिर से वैभव ने उसका रास्ता रोकना चाहा। कमला को बहुत गुस्सा आया और उसने तय कर लिया कि अब वो दूसरी जगह काम ढूंढेगी। उसने ये बात अपनी बूढ़ी दादी को बताई। कमला जब 10 साल की थी तभी उसके माता पिता नदी में डूब कर मर गए थे। कमला अपने माता पिता की बॉडी के पास बैठी जोर जोर से रो रही है। अरे रोती क्यों है, तेरी दादी है ना अभी जिंदा। कमला अपनी दादी के गले से लग गई। उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया, 12वीं तक पढ़ाई भी करवाई। वो उसे आगे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन पिछले 7 साल से उसकी दादी बिस्तर पर थी। उनको लकवा मार गया था, उनके हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करते थे और मुंह भी टेढ़ा हो गया था। वो बोलती तो थी लेकिन बहुत अस्पष्ट। उसकी दादी ही पहले धीरज दीवान के यहाँ काम किया करती थी। दादी की ऐसी हालत के बाद से ही वो सेठ के यहाँ काम पर जाने लगी थी। दादी
मैंने तय कर लिया है, अब मैं उस सेठ के यहाँ काम नहीं करूंगी। मैं दूसरी जगह काम ढूंढूंगी। वैभव सेठ अच्छे आदमी नहीं है। उसकी दादी की आंखों में उसकी बातों को सुनकर आंसू आ गए थे। उसने अस्पष्ट शब्दों में कहा, मेरा कारण ही तो मैं ये सब झेलना पड़ता है ना। भगवान मुझे ऊपर बुला ले। तू ऐसी बातें मत कह दादी, तेरे अलावा मेरा और कौन है। कमला ने काम छोड़ दिया, वो दूसरी जगह काम ढूंढने लगी। दो दिन हो गए उसे कहीं काम नहीं मिला। इधर दो दिन जब कमला काम पर नहीं आई तो धीरज दीवान ने उसके बारे में पूछा। किसी को ये पता ही नहीं था कि उसने काम छोड़ दिया है। दो दिन बाद होली थी, घर पर बहुत काम पेंडिंग था। कमला सारा काम अच्छे से संभालती थी, इसलिए दूसरे नौकर के जरिए उन्होंने कमला को बुलाने के लिए कहा। इधर कमला भी काम ना मिलने के कारण परेशान थी, क्योंकि बिना काम के ना तो घर का चूल्हा जलता और ना ही दादी की दवाई आती। वो फिर से काम पर जाने लगी। होली के दिन की बात है, सभी होली के रंग में डूबे हुए थे। प्रमोद दीवान अपनी पत्नी अर्पिता के साथ अपने पिता के पास खड़ा है। हैप्पी होली पापा। हैप्पी होली बच्चों। तभी कमला वहाँ आ जाती है। सारी तैयारी हो गई है ना कमला, बहुत बड़े बड़े गेस्ट आ जा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, सारी तैयारियाँ हो गई हैं। रंगों की बाल्टी तैयार है, रंग और गुलाल प्लेट में निकाल कर रख दिए हैं। दो बड़े टैंक भी रंगों से भर दिए हैं। रसोई में खाने पीने का सारा इंतजाम भी देख रही हूँ। धीरे धीरे गेस्ट आने लगे, लोगों की भीड़ जमा होने लगी। पूरा माहौल हुड़दंग वाला हो गया था। सभी को रंगों से बचना भी था और रंग लगवाना भी था। होली है की आवाज हर ओर से आ रही थी। सभी के चेहरे रंगे हुए हैं, इतने रंगे कि पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। होली है दीवान साहब। अरे कमिश्नर साहब, आप कब आए? आपकी आवाज ना सुनी होती तो पहचान भी नहीं पाता। मैं भी यहाँ कहाँ पहचान पाता आपको। वो तो मंत्री जी ने मुझे बताया कि आप यहाँ पर हैं। आज तो मंत्री जी भी पूरे रंग में हैं। अर्पिता भी अपने दोस्तों के साथ होली खेल रही थी। वैभव भी अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था। अबे खाली रंग ही रंग खेलना है या भंग का भी इंतजाम है? अबे इसके पापा यही है, कहाँ से करेगा भांग का इंतजाम। तेरा भाई सारा इंतजाम करके रखता है, भांग भी शराब भी, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग? वो देख वहाँ जो छोटा सा टैंक सा रखा है ना, उसमें सब कुछ है। एक एक करके जा और मस्त होकर आ, लेकिन एक एक करके ही जाना, किसी को शक ना हो। तो पहले कौन जाएगा? मैं। सभी दोस्त इस बात पर हंसने लगे। एक एक कर वो वैभव की बताई जगह पर जाते और टुन होकर आते। धीरे धीरे भंग और शराब का कॉकटेल उनके दिमाग पर हावी होने लगा। तभी उन्हें कमला दिखाई दी। रंग लगाने के बहाने सभी ने उसे घेर लिया। आज तो रंग लगाने दोगी ना कमला रानी, आज तो तुम्हें ऐसे रंग लगाएंगे कि हमारी तरह रंगीन हो जाओगी। तभी वैभव के एक दोस्त ने उसके ऊपर जबरदस्ती रंग से भरी बाल्टी उड़ेल दी। एक दो दोस्त तो उसके गाल पर गुलाल मलने लगे। अरे अरे मुझे नहीं खेलना है आप लोगों के साथ रंग, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं आप लोग। सभी लोग वहां थे लेकिन कोई नोटिस नहीं कर रहा था कि रंग खेलने के नाम पर उस बेचारी के साथ बदतमीजी हो रही है। तभी वैभव ने भी उसके साथ होली के नाम पर बदतमीजी शुरू कर दी। वो बेचारी परेशान हो रही थी। इस बीच उसके दोस्त लोग कमला की तस्वीरें लेने लगे और वीडियो भी बनाने लगे। अबे लेफ्ट गाल बच गया, ठीक से लगाना रंग, अच्छी फोटो आएगी। तुझसे नहीं हो रहा है तो हमें मौका दे, रंग लगाने में हम भी माहिर हैं। कमला चीख रही थी लेकिन उसकी चीख होली के शोर में दब जा रही थी। इस बीच वैभव कमला को अपनी ओर खींचने लगा तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसने उसे खींच कर तमाचा मार दिया। सभी लोग कमला के इस बर्ताव से दंग रह गए। बस 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 करो, नहीं तो मार के मुंह तोड़ दूंगी बेशर्म आदमी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया। शुक्र मना, मैंने सिर्फ हाथ उठाया है, तेरी हत्या नहीं की है। तभी वहाँ धीरज दीवान भी आ गए।
चुप रहो और अपनी औकात में रहो। नौकरानी हो तुम इस घर की। चुप पाप रहिए, नौकरानी हूँ, गुलाम नहीं, जो आपके बेटे की हर बदतमीजी को सहती रहूं। अपने मालिक का सदा आदर करने वाली कमला के इस रूप को देखकर धीरज भी दंग रह गए। क्या बदतमीजी की मेरे बेटे ने? ये लोग मालिक और नौकर की दूरी मिटाकर तुम्हारे साथ होली खेल रहे हैं, तो इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? साहब, आंखें रहते हुए धृतराष्ट्र मत बनिए। होली के नाम पर एक अबला एक मजबूर की असमत के साथ खेलने की कोशिश को दूरी मिटाना कहते हैं आप? मैं तंग आ गई हूँ आपके बेटे की बदतमीजी से। जब देखो तब हाथ पकड़ लिया, जब मौका मिला रास्ता रोक लिया, जब मौका मिला छेड़ने लगे। मैंने भाभी से भी इसकी शिकायत की, लेकिन वो भी सब सुनकर ऐसे चुप हो गई कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे कल को आपकी बहू को कोई छेड़ेगा तो क्या इसे आप दूरी मिटाना कहेंगे? बकवास बंद कर, मैं सब समझती हूँ तुम दो कौड़ी के लोगों की चाल को। मालिक को फंसाओ और पैसे उठो। अरे आपका पैसा आपको मुबारक, रखे रहिए अपनी तिजोरी में। हम मजदूर हैं, हमें मेहनत के पसीने की रोटी पचती है। इज्जत बेचकर जिन्हें नींद आती हो, उन लोगों में हम नहीं। ये सब देखकर कमिश्नर साहब और मंत्री जी भी एकदम शॉक्ड थे। ये सब क्या है दीवान साहब, कौन है ये लड़की? साहब, साहब नाम तो मेरा कमला है, लेकिन मैं आज खुद को द्रौपदी महसूस कर रही हूँ। वो द्रौपदी जिसे भरे दरबार में अपमानित किया जा रहा है और सारे समाज के रक्षक होली के नाम पर ये बदतमीजी देख रहे हैं। आप तो कमिश्नर हैं, पूरी पूरी कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, यहाँ मंत्री जी हैं जो कानून बनाते हैं। अरे अरे कोई ऐसा कानून बना दीजिए कि गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं होगी। आप कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि बड़े लोगों की बिगड़ी औलादों को किसी को भी छेड़ने की छूट होगी। कर सकते हैं आप ऐसा? बोलिए, कर सकते हैं? नहीं ना, तो फिर आपके सामने मेरे साथ इतनी देर से जो हो रहा है उसे क्यों नहीं देखते साहब, क्यों नहीं देखते? क्या पापा, क्या अंकल, आप लोग इस दो कौड़ी की लड़की की क्या बात सुन रहे हैं? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, बस होली खेल रहे थे हम। इतने में धीरज दीवान ने एक जोरदार थप्पड़ वैभव को मारा। चुप, बिल्कुल चुप, चुप रहे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है। कमिश्नर साहब, मेरे बेटे ने गलती की है, गलती तो इसकी भाभी ने भी की है, ये सब जानते हुए भी चुप रही। मैं नहीं जानता कि उसके अपराध की क्या सजा है, लेकिन मेरा बेटा और इसके सारे दोस्त अपराधी हैं। इन्होंने एक मासूम लड़की के साथ एक त्योहार के नाम पर बदतमीजी की है, उसका मानसिक शोषण किया है। गिरफ्तार कर लीजिए इन सभी को। वैभव और उसके साथ ही जेल चले गए। कमला ने उनके यहाँ की नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी कोई कमला किसी न किसी वैभव के द्वारा छेड़ी जा रही है। आप धृतराष्ट्र मत बनिए, मत बनिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।